हेलो दोस्तों, ताप्ती फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हम सबका पसंदीदा पनीर मसाला, जो कि बड़ों को भी पसंद आता है तो बच्चों को भी पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। और अब इन्हें हम हाथों से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से कोट हो जाए इस पे, कि मसाला अच्छे तरीके से कोट हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। पर एक पैन ले लिया है जिसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। और हमारी जो फ्लेम है उसे हम लो ही रखेंगे, नहीं तो हमारा जो बेसन है वो जल जाएगा। और इसे हमें तब तक के भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हमारे हीट को हम ऑफ कर देते हैं और हम इसे अब अलग रख देते हैं। हमने एक और पैन लिया है जिसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। ये तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हमारे मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसेस डालेंगे और इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम हल्के हाथों से पनीर को घुमाएंगे, नहीं तो हमारे पीसेस टूट जाएंगे। हम पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये चुई हो जाते हैं। हमें इसे बस हल्का ही भूनना है, इसे अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हम इसे और अब हम एक और पैन लेंगे जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, 2 बड़े चम्मच घी डाला है। जो हमारा ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए। ये गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 4 इलायची डालेंगे, 7 से 8 लौंग डालेंगे, 1 दालचीनी का पीस डालेंगे और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। और इन मसालों को हमें भूनना है और हमारी जो फ्लेम है वो सिंपल ही रखना है। ये देखिए हमारे मसाले अब अच्छे तरीके से भून गए हैं। इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। 1 से 2 मिनट हो गया है, अब हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और इनको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। और हमें तब तक के भूनना है जब तक कि हमारे प्याज का कलर डार्क नहीं हो जाता, और हमें इस सब्जी के लिए थोड़ा डार्क कलर के ही प्याज चाहिए। ये देखिए अब हमारे प्याज भी अच्छे हल्के डार्क हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और हम यहीं पर ही जो भुना हुआ बेसन था उसे भी डाल देंगे। और हम इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेते हैं और हमारे जो फ्लेम है उसे मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाले हमारे हो चुके हैं। अब हमने इसमें 1 कप टमाटर डाला है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और इसे भी हम मसालों के साथ में भून लेते हैं। और इसे हम तब तक के भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से पक ना जाए, उनका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए अब हम यहाँ पर ढक्कन ढक देते हैं और इसे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। हम बीच बीच में हम चम्मच हिलाते रहेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन खोल के देखते हैं। देखिए हमारे टमाटर पक चुके हैं, क्योंकि तेल छोड़ दिया है टमाटरों ने, इसका मतलब हमारा मसाला रेडी है। हम मसालों को यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक के पकाएंगे। ये देखिए अच्छा टेक्सचर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने 3 से 4 बड़े चम्मच दही लिए हैं जिसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था,
और हमें इसे कंटिन्यूस हाथ चलाते रहना है, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। देखिए टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर आपको दही नहीं पसंद है तो आप ना डालें, पर हम ढाबा स्टाइल पनीर बना रहे हैं तो उसमें दही डालेंगे, जिसके खट्टेपन के कारण ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, मसाले और दही एकदम अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, जिसे हम अपने हाथों से अच्छे से रब करके डालते हैं। और अब इन सब मसालों को हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। सभी मसालों को तब तक के भूनना होता है जब तक कि इसमें से तेल ना छूट जाए। देखिए अब इसमें मैंने एक कप पानी डाल दिया है, मुझे थिक ग्रेवी पसंद है इसलिए मैंने एक कप डाला है। अगर आप चाहे तो इसमें दो कप भी डाल सकते हैं, अगर आपको कंसिस्टेंसी बढ़ानी है तो आप दो कप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर एक मिनट के लिए ढक्कन ढक के इसे पका लेते हैं। अब एक मिनट हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, पर हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं। अगर आप इसे इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये देखिए हमारी ग्रेवी अब रेडी है। अब हम इसी समय पे हमारे जो पनीर के पीसेस थे उसे डाल देंगे और उसमें जो बचा हुआ तेल था उसे भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इसे हल्के हाथों से मिला लेते हैं। अब हम इसे कुछ एक मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकने देते हैं। अब ये एक मिनट हो चुका है, पनीर और मसाले सारे एक साथ मिक्स हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर लग रहा है इसका। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देते हैं। हमारा पनीर मसाला रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छा दिख रहा है। देखिए हमारा पनीर मसाला रेडी है। आप इसे रोटी, नान या चपाती किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।